नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 5 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। छठ पूजा के शांतिपूर्ण समापन पर बोले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ संपन्न हो गया है। छठ के सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न होने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि जिन लाखों श्रद्धालुओं ने धैर्य से काम लिया, जिन सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़कर सहयोग किया और प्रशासन के लोगों ने परिश्रम पूर्वक कर्तव्य पालन किया, वे सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। पटना में एयर पॉल्यूशन का स्तर देख लोजपा के युवा नेता कर रहे हैं मास्क का वितरण। पटना में एयर पॉल्यूशन लेवल में बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। इसी को लेकर लोजपा यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर मास्क का वितरण किया और लोगों से स्वस्थ रहने और मास्क पहनने का अनुरोध किया। लोजपा यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने रोड पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य लोगों को मास्क पहनाकर इससे संबंधित बातें समझाई। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का काम हो सकता है मार्च तक पूरा। पटना गया के रास्ते पर बन रहे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का काम अगले साल मार्च तक पूरा होने की संभावना है। बस स्टैंड के सभी ब्लॉक का साथ ही सभी भवनों को फाइनल टच देने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस बाबत नगर विकास व आवास विभाग में हुई समीक्षा बैठक में जल्द से जल्द काम पूरा होने के निर्देश दिए गए हैं। आज से होगी कैबिनेट सचिवालय में 1505 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। बीएसएससी ने उर्दू निदेशालय में 3 श्रेणी में कुल 1505 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होने जा रहे। रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवेदन के लिए लिंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मिल जाएंगी। वहीं 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क स्वीकार किए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन आवेदन आज से अगले महीने के 4 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने की संभावना। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एक्टिविटी कैलेंडर का लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत अब 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ज्ञात हो इस कैलेंडर में सीबीएसई की तरफ से 2019-20 के सेशन का कार्यक्रम बताया गया है। इस कैलेंडर में बोर्ड की तरफ से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। रालोसपा प्रमुख ने फार्मासिस्ट पदों की बहाली प्रक्रिया पर लगाए आरोप। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने फार्मासिस्ट पद पर बहाली प्रक्रिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बहाली में बीसी कैटेगरी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। आखिर इस तरह कैसे हो सकता है, जबकि दूसरे कोटे का पूरा स्थान है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है और कहा है कि सत्ता में बैठे नीतीश कुमार को इस पूरे मामले को देखना चाहिए और इन शिकायतों को दूर करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बाबत सरकार को जवाब देने की मांग भी की है। अत्याधुनिक किचन से सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा स्वादिष्ट खाना। बैरिया में अत्याधुनिक किचन अब सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच स्वादिष्ट भोजन परोसने के लिए बनाया गया है। इसके पहले BMP 6 रोड के कन्हौली इलाके में अत्याधुनिक किचन खोला गया था। आपको बता दें, दोनों किचन से शहर व आसपास के 323 स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तेज प्रताप यादव अंग्रेजी में किए गए ट्वीट के लिए हो रहे हैं ट्रोल। कुछ दिनों पहले मथुरा में यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता पर बोलने वाले तेज प्रताप यादव ने अब दिल्ली के JNU में फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ अपना समर्थन दिखाया है। तेज प्रताप ने JNU के छात्रों के समर्थन में अंग्रेजी में ट्वीट किया, मगर यह अंग्रेजी ट्वीट तेज प्रताप यादव को ही भारी पड़ रहा है। यूजर्स लगातार तेज प्रताप यादव की खिंचाई कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि JNU के लिए किया हुआ उनके इस ट्वीट का मतलब क्या उन्हें खुद पता है? आपने जो भी लिखा है कृपया करके हिंदी में समझा दीजिए। पटना यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का चुनाव होगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर को पटना यूनिवर्सिटी सिंडिकेट सदस्यों का चुनाव होने जा रहा है। 14 नवंबर को आयोजित सीनेट की बैठक के दौरान सीनेट सदस्य सिंडिकेट सदस्यों का चुनाव करेंगे। इस चुनाव के लिए 9 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख रखी गई है। आपको बता दें, पीयू सिंडिकेट सदस्यों के तौर पर 4 शिक्षकों और 4 गैर शिक्षक सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। 9 नवंबर की शाम 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। 10 नवंबर को नामांकन पत्र की जांच होगी। 13 नवंबर तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकेंगे और 14 नवंबर को चुनाव संपन्न होगा। नई तकनीकी से खेती ना करना पड़ सकता है किसानों को महंगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने जलवायु परिवर्तन का फसलों के उत्पादन पर असर को लेकर हो रहे शोध से यह पता चला है कि देश में हो रहे जलवायु परिवर्तन का असर फसलों के पैदावार पर पड़ रहा है। अगर तापमान में यूं ही बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले कुछ वर्षों में फसलों के पैदावार में 25% की गिरावट देखी जा सकती है। इससे बचने के लिए किसानों को खेती के लिए नई तकनीक अपनानी होगी, जिससे कि उनकी फसलों के उत्पादन पर कोई असर ना पड़े। पिछले 10 दिनों में पटना की एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 पार। पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। खासकर पिछले 2 दिनों से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक है, जो कि लोगों की सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। 2 नवंबर की रात तक AQI का स्तर 428 था। वहीं 10 दिनों पहले यानी कि 25 अक्टूबर को AQI स्तर 103 था, जबकि यह स्तर 3 नवंबर को 4 गुना बढ़कर 414 पहुंच गया।
भागलपुर महोत्सव में कई कवि और कलाकार होंगे शामिल। बिहार के भागलपुर में भागलपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 11 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें राष्ट्रीय कलाकार के साथ साथ कई मशहूर कवि भी सम्मिलित होंगे। महोत्सव में लोकगीत, फिल्मी गीत, फैंसी ड्रेस, स्कूल स्तरीय ग्रुप डांस, एकल नृत्य, दुल्हन सिंगार, मंजूसा पेंटिंग आदि प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें, भागलपुर महोत्सव का संयोजन मनोज सिन्हा कर रहे हैं। अररिया जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। अररिया जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। रानीगंज वृक्ष वाटिका, बायोडायवर्सिटी पार्क, सुंदरनाथ सुंदरी मठ, मदनपुरा शिव मंदिर, रेप्लिका स्तूप जरूर घूमने जाएं। पटना से अररिया जाने के लिए ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 9 घंटे का सफर करना होगा। वहीं खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को अररिया जाने के लिए 9 घंटे का ही सफर करना होगा। पटना से अररिया की दूरी 351.4 किलोमीटर है। सीबीएसई अब टॉपर वेबसाइट पर दिखाएगा टॉपर्स की उत्तर पुस्तिका। सीबीएसई ने की एक नई पहल, जिसके तहत अब सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड के टॉपर की फोटो और प्रोफाइल बोर्ड की वेबसाइट पर लगाएगा। साथ ही साथ यह नियम 2020 में लागू किया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट पर टॉपर की उत्तर पुस्तिका को भी डाला जाएगा। इसमें 2020 में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को उत्तर लिखने का पैटर्न पता चल जाएगा। बोर्ड की माने तो वेबसाइट पर टॉपर का फोटो और उनके प्रोफाइल को साल भर के लिए रखा जाएगा। ज्ञात हो, बोर्ड यह नियम 2020 से लागू करने वाला है। गांधी मैदान में एक बार फिर होने जा रहा है पुस्तक मेला का आयोजन। 2.5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 11 दिवसीय पटना पुस्तक मेला का आयोजन एक बार फिर गांधी मैदान में किया जा रहा है। इसके लिए गांधी मैदान के करीब 1,00,000 स्क्वायर फुट पर किताबों की दुनिया सजाई जा रही है। मेले में दिव्यांगों का प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क होगा, जबकि स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म पर परिचय पत्र के साथ एंट्री फ्री मिलेगी। वहीं कॉलेज के छात्रों के लिए भी सोमवार से शुक्रवार तक परिचय पत्र के आधार पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। ट्रेनों में वेटिंग टिकट की भी हो रही किल्लत। छठ के लिए घर आने वाले लोगों को अब अपने काम पर वापस लौटने की चिंता सताने लगी है। अगले 15-20 दिनों तक लंबी दूरी की नियमित ट्रेनों में कोई कंफर्म सीट नहीं है। रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों में रविवार के लिए कुछ टिकट थे, लेकिन सोमवार से वो भी पूरी तरह फुल है। स्पेशल ट्रेन भी यात्रियों के लिए कम पड़ गई है। पटना से दिल्ली, मुंबई और साउथ जाने वाली गाड़ियों में तो वेटिंग टिकट भी मौजूद नहीं है। कन्फर्म तो दूर की बात है। मिट्टी की सेहत पर निर्भर करेगी फसलों के उपचार की व्यवस्था। बिहार में खेती की योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिलने की वजह से सरकार ने नीतिगत बदलाव किया है, जिसके पश्चात अब प्रखंडों में एक एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन कर प्लॉट की मिट्टी की जांच की जाएगी। मिट्टी के सेहत के अनुसार ही फसल उर्वरक और उपचार कर उत्पादकता लाभ से अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें, इस योजना के तहत प्रदेश में 2.11 लाख नमूने पर कृषि रसायन प्रयोगशाला से स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को दिया निर्देश। शिक्षकों की कमी को लेकर यूजीसी ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है, जिसमें शिक्षकों की बहाली की बात की गई है। यूजीसी ने 10 नवंबर तक सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, बिहार में अधिकतर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते उच्च शिक्षा का बुरा हाल हो गया है। खेसारी लाल संग लिट्टी चोखा खाते दिखे सलमान खान। वीकेंड के बाद में बिग बॉस के घर में कई नए सदस्य का आगमन हुआ है, जिसमें से एक थे भोजपुरी फिल्म के स्टार खेसारी लाल। दिखाए गए एपिसोड में बाला फिल्म को प्रमोट करने आई टीम ने खेसारी लाल से पूछा कि सुनने में आया है कि आपको लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। इस पर खेसारी लाल ने बताया कि जब मैं दिल्ली में था तो लिट्टी चोखा ही बेचता था और लिट्टी चोखा बेच कर ही आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। खेसारी लाल की बात सुनकर सलमान भावुक हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद सलमान और खेसारी लाल दोनों लिट्टी चोखा खाते दिखे। आज है अक्षय नवमी। छठ संपन्न होने के बाद अब अक्षय नवमी की तैयारी शुरू हो गई है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी आज पूरे प्रदेश में अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इसे धात्री नवमी, कुष्माण नवमी और आंवला नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के पूजन के साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए पूजन का विशेष महत्व है। अक्षय नवमी पर गंगा स्नान और दान का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय रहता है, इसलिए लोग गुप्त दान भी करते हैं। सत्यों की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। पेंशन धारक 30 नवंबर तक अपने जीवित होने का प्रमाण सौंप सकते हैं बैंक को। एसबीआई पेंशन धारकों के लिए अहम सूचना। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी पेंशन धारकों को 30 नवंबर से पहले अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा है। ऐसा ना करने वालों की पेंशन रोकी जा सकती है। आपको बता दें, जीवित होने का प्रमाण पत्र एसबीआई बैंक की ब्रांच या अपने पास के आधार सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए जमा कर सकते हैं। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बताई बांग्लादेश से हार की वजह। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत को बांग्लादेश ने पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैच में मात दी है, जिस पर टी20 कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टी20 में हार के बाद कहा कि खराब क्षेत्र रक्षण और गलत फैसलों की वजह से भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली है। रोहित ने कहा है कि यह रक्षात्मक स्कोर था और हमने मैदान में कुछ गलतियां की। टीम के खिलाड़ी कम अनुभवी हैं और वे सभी इसे सीखेंगे। उम्मीद है कि अगली बार गलती नहीं करेंगे।
2020 विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट लेकर आ रहे हैं जेपी नड्डा। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही 2020 में होने हैं, लेकिन बिहार बीजेपी ने इसकी तैयारी साल भर पहले ही शुरू कर दी है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंच रहे हैं। पटना पहुंचकर जेपी नड्डा भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। माहौल भले ही पुण्यतिथि में सम्मिलित होने का हो, मगर नड्डा बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक पर आगामी चुनाव के लिए तैयार ब्लूप्रिंट पर विमर्श भी करेंगे। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में हल्की धुंध के साथ मौसम सामान्य रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए अब छात्रों को नहीं भरना पड़ेगा परीक्षा फॉर्म। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के सत्र 2019-22 स्नातक के छात्रों को अनावश्यक विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट और डिग्री प्रमाण पत्र सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा। इस बाबत सभी कॉलेजों को आज प्रवेश संबंधी प्रतिवेदन देने का अल्टीमेटम दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।